चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फोर है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वन प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस है। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सेक दिया हुआ और यहाँ पे सेक दिया हुआ, तो हमने बताया था कि जनरली क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं साइन या कॉस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लोग क्या करेंगे कि सेक को हम लोग चेंज कर लेंगे कॉस में, इस सेक को भी चेंज कर लेंगे कॉस में, उसके बाद जो उसका स्टेप होगा फिर हम लोग आगे फर्दर उसको फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग लेते हैं LHS, तो वन प्लस वन बाई कॉस ए अब बाई वन बाई कॉस ए, ठीक है, ये मैं मेन डिवाइड हो गया, इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, इसका आ जाएगा कॉस ए प्लस वन, नीचे आ जाएगा वन बाई कॉस ए, ठीक है। वैल्यू को पलटेंगे क्योंकि मेन डिवाइड यहाँ है, तो वैल्यू को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कॉस ए इंटू, इसको अरेंज कर लेते तो वन प्लस कॉस ए हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए अब बाई नीचे आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, ये से कट जाएगा, आया क्या हमारा वन प्लस कॉस ए, ठीक है, ये हमारा हुआ एल एच एस, ठीक है। अब है इस एल एच एस से हमको लाना है ये वैल्यू, ठीक है, तो इस वैल्यू को ला सकते हैं, या आप चाहो तो इस आर एच एस को ब्रेक करके इसके बराबर वैल्यू को आप ला सकते हो। तो चलो हम दोनों को देखते हैं पहले, तो पहले हम लोग आर एच एस को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। आर एच एस हमारा क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अब बाई वन माइनस कॉस ए, ठीक है। तो देखो नीचे क्या है, वन माइनस कॉस है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, हम यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर ले देंगे इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बाई वन माइनस कॉस ए। अब देखो इस पर स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेंगे तो क्या बन जाएगा वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए डिवाइड बाई वन माइनस कॉस ए, इसे कर जाएगा क्या आ गया वन प्लस कॉस है वन प्लस कॉस ए, तो हमारा एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। हम लोग ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसी वैल्यू से हमको ये वैल्यू को लाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो कैसे करना क्या हमें, इस वाले वैल्यू को हमको ऊपर नीचे रिस्नाइज करना होगा वन माइनस कॉस ए से, वन माइनस कॉस ए से, इससे इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, ब्रैकेट डाल देंगे सब पे, तो वन प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ले सकते वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बाई वन माइनस कॉस ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए, तो इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और नीचे बन जाएगा वन माइनस कॉस ए। तो देखो हमने इस वैल्यू से भी हम इस वैल्यू को ला सकते हैं, तो हमारा जो एल एच एस है और जो आर एच एस है वो वैल्यू सेम हो गया, तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर।